मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे तो मुझे खुशी हुई है कि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ किसी जॉइंट कम्युनिटी आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें? असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तस्करा तक ना हो? किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौइयत का है उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनाफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क्यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमरीका का जहाँ तक ताल्लुक है, अमरीका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना तावन किया है, और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं, इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी ज़रूरत है, और रीजनल ज़रूरत भी है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी।